हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। देखिए जिसके लिए हमने क्या क्या ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 50 ग्राम लिए हैं हमने कद्दू के बीज, 50 ग्राम सूरजमुखी के बीज, 100 ग्राम हमने बादाम लिए हैं, 50 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम अखरोट की गिरी। गैस ऑन कर दिया हमने, फ्लेम मीडियम रखा है एकदम। देखिए देसी घी लिया है हमने, 2 चम्मच के आसपास देसी घी है ये। इसमें भून लेंगे हम, पहले इसे मेल्ट होने देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। देखिए भून लेंगे, देखो इस तरीके से चलाते हुए हम इसको, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, हल्का सा ही बस भूनना है। देखिए गाइस 4 से 5 मिनट के लिए हम इनको भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है इनको। ड्राई फ्रूट्स हमारे भून चुके हैं, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे हम। देखिए गाइस ड्राई फ्रूट्स के लड्डू के लिए हमने 1/2 किलो खजूर लिए हैं, जिसके हम बीज निकालेंगे इस तरीके से। ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, सर्दियों में इन्हें बनाना चाहिए। इसे न्यू मदर के लिए भी दे सकते हैं, फिर कमर में बैक में पेन रहता है हमारे, उसमें भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये आंखों की कमजोरी भी दूर करते हैं। खजूर के हमने सारे बीज निकाल लिए हैं, गैस हमने ऑन कर लिया, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसको हम भून लेंगे चलाते हुए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से पलटे से दबाते हुए हमें इसे फ्राई करना है ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए ये। देखिए खजूर इस तरीके से इकट्ठा होने लगेगा, इससे हमें पता लगेगा कि ये भुनने की स्टेज पे आ चुका है। अभी हम इसे थोड़ा सा और भुनेंगे। खजूर हमारा भुन चुका है गाइस, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। तब तक अपने ड्राई फ्रूट्स कूट लेंगे या फिर मिक्सी के जार में पीस लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या करेंगे। देखिए हम इसे इस तरीके से कूट लेंगे, भुनने के बाद ड्राई फ्रूट्स आराम से कूट जाते हैं। आप चाहें तो ये मिक्सी के जार में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा बारीक हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हम इसे इस तरीके से पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने कूट लिया है, ये देखिए हल्का ठंडा हो चुका है। बिल्कुल ठंडा नहीं करना वरना लड्डू नहीं बनेंगे। अब इसमें निकाल लेंगे सारा, इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए खजूर को जो हमने इसे भुना था, अभी ध्यान रहे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हाथ अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए इसमें। देखिए हाथ में अगर लगे गर्म है तो रुक जाएँ 2-4 मिनट और इसे मिक्स कर लें। लड्डू का बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और देखिए नॉर्मल ठंडा भी हो चुका है, ये हाथ में लेने में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। लड्डू बहुत ही आराम से बन जाएंगे, आप साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। देखिए देखने में कितने प्यारे हो, बहुत ही बढ़िया लड्डू लग रहे हैं ये। देखिए इसी तरीके से हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए गाइस ड्राई फ्रूट्स लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं ये। आप इसे न्यू मदर को भी दे सकते हो, आंखों की कमजोरी भी दूर करते हैं ये। तो इस तरीके से सर्दियों में लड्डू ज़रूर बनाने चाहिए और आप भी बनाइए। ये लड्डू एकदम शुगर फ्री हैं, आपने देखा होगा किसी भी तरीके का मीठा यूज़ नहीं हुआ है इसमें, जो भी मिठास है अपनी नेचुरल है, इसलिए खाने में ये कोई नुकसान नहीं करेंगे। बुज़ुर्ग बड़े बच्चे सब खा सकते हैं इसको और इन्जॉय करिए, सर्दियों में नुकसान भी नहीं करते ड्राई फ्रूट्स। आप भी बनाइए मेरे तरीके से लड्डू और एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।